श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। पराकाष्ठा और श्रेष्ठ यदि कोई इस जगत में है तो वो है व्रज गोपिका। उन व्रज गोपियों में केवल एक ही बात थी और वो ये थी कि उनमें मैं नहीं था। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण परमात्मा के लिए जिया जा रहा था और हमारा दूसरे के साथ भोग होता है और स्वयं के साथ योग होता है। तो जहां हमारे अंतकरण में दूसरेपन की भावना समाप्त हो गई वहां भोग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। जैसे हम अपने दोनों हाथों को लेकर के ऐसे ही एक दूसरे पर मसल रहे हैं तो इसमें बाया हाथ भोगी है कि दाहिना हाथ भोगी है? बाया हाथ भोग है या दाहिना हाथ भोग है? दोनों में एक ही तत्व है। तो जहां भोक्ता और भोग्य ये भेद ही नहीं है वहां योग की सिद्धि अपने आप हो गई। इसीलिए जहां जहां हमारे मन में किसी भी अनुभूति के पश्चात कोई संस्कार बनते हैं तो हम भोग में थे। देखो हम लोग जो सोते हैं ना और जगते हैं तो सोने के संस्कार नहीं होते, देखो जगने के संस्कार नहीं होते। जब हम कभी कभी अपने होंठ सूख गए तो अपने ही होंठों पर अपनी जिह्वा फैला करके उनको गीला कर देते हैं तो उसके कोई संस्कार थोड़ी बनते हैं। कारण कि वहां मैं भोग करने वाला और भोग्य वस्तु जो जार भाव में होता है वो नहीं है। इसलिए भक्ति की प्रेम की पराकाष्ठा यह गोपियों में है। अब ये होने के बाद तो बाकी के जो साधन बताते हैं उसकी क्या स्थिति है तो 25वें सूत्र में बताते हैं सातु कर्म ज्ञान योगिभ्यः अपि अधिकतरा। शास्त्रों का प्रयोजन होता है साधक के मन में अपने मार्ग के प्रति महात्म्य बुद्धि जागृत हो जाए और अपना जो मार्ग हमने चुना है भगवत प्राप्ति का उसके प्रति यदि हमारे मन में महात्म्य बुद्धि जागृत हो जाए तो हम उस मार्ग का अनुसरण करेंगे। और इसीलिए अर्थवाद की प्रक्रिया से दूसरे मार्गों के साथ तुलना होती है। तो तुलना करने का तात्पर्य ये नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। जैसे अपने रामचरितमानस में आता है जब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को प्रकट किया और वानर वेश में उन्होंने भगवान को फिर से नमस्कार किया। पहले तो वो छद्म वेश में प्रकट हुए थे एक बालक ब्रह्मचारी के रूप में और पूछने लगे कि महाराज आप कौन हो, कहां से आए हो? तो यह जो छल कपट था भगवान ने समझ लिया, फिर उसी प्रकार से उत्तर दिया कि एक अयोध्या नाम की नगरी है, वहां एक दशरथ नाम का राजा है, उसका मैं बड़ा पुत्र हूं। अब भगवान ने अपनी जो भगवत्ता थी वो छुपा के रखी क्योंकि पूछने वाला भी छल कपट से पूछ रहा है।
तो जब उन्होंने अपना छल कपट त्याग दिया और अपने आप को प्रकट किया वानर रूप में, तो उस समय भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि तुम मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हो। अब लो, भरत के साथ इतने सालों तक रहे और ये 2 मिनट के पहले आया हुआ बंदर और वो भरत से भी ज्यादा हो गया, तो वहां ये तुलना करने का तात्पर्य क्या है कि मेरे मन में भरत के प्रति सबसे ज्यादा आदर बुद्धि है, तो मैं हे हनुमान जी आपको भरत जी के समान नहीं बल्कि उनसे भी बड़ा कहना चाहता हूं। इसका तात्पर्य भरत जी को कम लेखना नहीं है, देख लेना समझ लेना इसको। इस प्रक्रिया को शास्त्र में अर्थवाद कहते हैं। किसी की स्तुति करना, किसी की तुलना करना, तो इसको अर्थवाद कहते हैं। तो जैसे अर्थवाद आता है, यामि माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरता, वाद जो है वो अर्थवाद है। यदि आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो वहां आपको बहुत बढ़िया बढ़िया भोग मिलेंगे। तो यह जो अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाकर के भोग लेना, ये अर्थवाद है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि मनुष्य का सत्कर्मों में प्रवृत्ति करने का तरीका। उसी प्रकार से ये जो सभी फलश्रुतियां होती है, जैसे आप समझो देवी का पाठ करो तो उसमें फलश्रुति होगी, आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करो तो उसमें फलश्रुति होगी, शिवजी के स्तोत्रों का पाठ करो तो उसमें फलश्रुति होगी कि इसके द्वारा आप शिवलोक में जाओगे और शिवजी के साथ वहां आनंद में रहोगे। यह जो अर्थवाद है उसको लेकर के इस सूत्र को हमको समझना है। अब यह जो भक्ति है, यह भक्ति सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि अधिकतरा। भक्ति के बारे में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। एक विचार ऐसा बताता है, देखो भक्ति भिक्ति कुछ नहीं होती जब तक के भगवान के बारे में जानोगे नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होगा। जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता उसके बारे में प्रेम नहीं हो सकता, इसीलिए ज्ञान ही मुख्य है, भक्ति फल है। दूसरे कहते हैं जब तक के अपना स्वयं के ऊपर में नियंत्रण नहीं होगा तब तक के भक्ति नहीं होती, और स्वयं के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए योगाभ्यास की आवश्यकता है, और इसीलिए योग श्रेष्ठ है, भक्ति तो बाद में आती है। तीसरा कहता है कि देखो जब तक के अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक के भक्ति नहीं होगी, और अंतकरण शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं कर्म या धर्म, और इसीलिए जब तक के आप धर्म और योग और ज्ञान की बातें नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं होती, इसीलिए ये महत्व के है, भक्ति तो बाद में आएगी। अब इन चीजों को लेकर के यहां चर्चा चलती है। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि अधिकतरा, इन तीनों से श्रेष्ठ है। अधिकतर माने उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट कैसी है? भगवान ने भगवद गीता में इस विषय को 3 जगह में प्रस्तुत किया है। ये सब बातें समझने की है। पहले योग के प्रसंग में प्रस्तुत किया है भगवान ने इस बात को, उसके बाद वो कर्म के और भक्ति के प्रसंग में प्रस्तुत किया है, और तीसरी बात फिर अपने ज्ञान और वैराग्य इसके संदर्भ में प्रस्तुत किया है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है ना उसको प्रस्तुत कर देते हैं, और जो मूल तत्व का प्रतिपादन है उसको छुपा के रखते हैं। जैसे कोई योगी होगा और उसको यदि भगवत गीता का उदाहरण देना होगा तो वो 6वें अध्याय पकड़ेगा।
हमको जितने भी योगी मिलते हैं एक ही कहते हैं, स्वामी जी आप हमको भगवद गीता के 6वें अध्याय के बारे में बताओ। क्यों? नहीं, उसमें योग की बात करी है तो बाकी के अध्याय में क्या भोग की बात करिए? भगवद गीता में दारिद्र्य नहीं है, बड़े मुश्किल से एक योग। एक क्यों योग है? भगवद गीता में 1.5 डजन योग है, अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योगों तक। एक योग की क्या बात है? तो वो कहेंगे देखो भगवान ने कहा है, तपस्वीभ्योधिको योगी योग, ज्ञानीभ्योपि मतोधिक, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से भी अच्छा श्रेष्ठ योगी होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है, कर्मियों से धार्मिक लोगों से भी श्रेष्ठ योगी होता है। इसलिए अर्जुन योग करो। देखो भगवान ने कहा है ना, यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करते रहो। लेकिन उसी के बाद का जो श्लोक है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। उस श्लोक में क्या कहा है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। जितने भी योगी है ना, उन योगियों में जो श्रेष्ठ है, देखो तो पहले योगी बनो, ठीक मान लिया, लेकिन क्या सभी योगी एक ही जैसे होते हैं? क्या नहीं? उसमें भी तारतम्य होता है। प्रकृति में जहां अनेकता है तारतम्य होगा। तो कहते हैं सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना यो माम भजते, जिसका मन प्रभु में लगा है। देखो जहां हमने अपने मन को संयमित कर लिया। देखो योग की भी 2 बातें हैं, चित्तवृत्तियों का निरोध कर लो। तो चित्तवृत्तियों का निरोध किया तो आप जगत के साथ तो व्यवहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत के साथ व्यवहार के लिए चित्तवृत्तियों की आवश्यकता है। अब जगत के साथ व्यवहार नहीं है तो क्या करोगे ऐसे योगी का? नहीं जी, दूसरा भी है। क्या है? यदि हमने त्रयम एकत्र संयमहा, यदि हमने धारणा ध्यान समाधि तीनों को इकट्ठा एक ही पदार्थ में किया, एक ही वस्तु में किया, तो उसको संयम कहते हैं। तो संयम से क्या होगा? फिर ये संयम को लेकर के हम किसी एक विशेष वस्तु विशेष में अपने संयमित मन को लगाएंगे तो हम में जो सुप्त शक्तियां है, सिद्धियां है, विभूतियां है, वो जागृत हो जाएगी। अब देखो जब पता लगा कि यहां इन्वेस्टमेंट करने से 1 दिन में 10 लाख बनने वाले हैं, अंदर की बात पता चली, तो आदमी इन्वेस्टमेंट करने से छोड़ेगा क्या? इसी प्रकार से जहां पता लगा कि संयम की प्रक्रिया से हम दूसरे के मन को वश में ला सकते हैं, संयम की प्रक्रिया से हम जो चाहे करवा सकते हैं, संयम की प्रक्रिया से हम दूसरों का भला बुरा कर सकते हैं। देखो योगी ही शाप देता है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। देखो योगी शक्ति है शाप देने की, इसलिए शाप देता हूं। तो भगवान कहते हैं ये जो आप में शक्ति जागृत हुई ना संयम के द्वारा, ये शक्ति आप किस में लगा रहे हो? ये जो संयम की शक्ति है, ये जो प्रभु में अर्पण करता है, वो सभी योगियों में श्रेष्ठ है। देखो समुद्र तरंग बनता है, तरंग कभी समुद्र नहीं बनेगा। तो योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान यो भजते माम। और ये योगी कैसा है? जिसने पूर्ण योग साधना करके अपने मन को संयमित कर दिया है और उसके बाद भी उसको उस शक्ति का कहीं प्रयोग नहीं करना। क्यों? कि केवल प्रभु में ही उसका मन लगा है। और श्रद्धावान, देखो दूसरी महत्व की बात, व्यक्ति में जब कोई सामर्थ्य होता है ना,
तो व्यक्ति का दूसरे किसी आश्रय को लेने की इच्छा नहीं होती। जैसे हमारे अंतकरण में ये बात है कि जेब में पैसे हो निकल जाओ तो ठीक रहेगा, कुछ नहीं तो पैसे काम आ जाएंगे, तो हमारा आश्रय क्या हुआ? पैसा। और यदि हमारा आश्रय भगवान है, निकल पड़ते हैं प्रभु देख लेंगे, तो वो देख भी लेंगे। तो जहां हमारा आश्रय अपने जागृत की हुई शक्तियों पर है, वहां हमारा भगवान पर आश्रय कम हो जाएगा। और इसीलिए श्रद्धावान भजते यो माम, उसमें यह अटूट श्रद्धा है कि जो भी हम योग साधना इत्यादि कर सके हैं, ये केवल परमात्मा का अनुग्रह है। और देखो, योग सूत्र में इसको स्पष्ट रूप से कहा गया है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये भी योग सूत्र है। देखो, अब जितने योग सूत्र है इसमें ईश्वर प्रणिधानाद्वा इसका सबसे कम उच्चारण होता है। भगवान का नाम लो, भगवान का संकीर्तन करो, भगवान की पूजा पोथी करो, उसमें नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि योग, कर्म और ज्ञान, ये तीनों त्वम पद प्रधान है। उसमें अपने प्रयत्न का महात्म्य है, भगवान के अनुग्रह का महात्म्य नहीं है। इसलिए योग में भी दो शाखाएं हैं, एक को कहते निरीश्वरवादी योग और दूसरा सेश्वरवादी योग। पतंजलि महर्षि का जो योग है वह ईश्वरवादी है, इसमें ईश्वर को स्वीकार किया गया है। और जो दूसरे प्रकार का योग है उसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, वो कहते सब कुछ हम ही करते हैं। और यह जो योग की प्रक्रिया जिसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, वो है जैन और बौद्ध मत में, उसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। तो योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। इसीलिए युक्त तम माने सभी योगियों में जो श्रेष्ठ योगी है वो योगी है कि जो अपने मन को प्रभु में मिटा देता है। इसलिए यह जो भक्ति है यह कर्म ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक के मन है, जब तक के अंतकरण है, तब तक के परिचिन्नता रहेगी। जब तक के परिचिन्नता रहेगी तब तक के मैं रहेगा, जब तक मैं रहेगा तब तक की शांति नहीं मिलेगी। गहरी नींद में हम जब चले जाते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, वहां मैं नहीं होता खिचड़ खिचड़ करने वाला। जहां मैं गायब हो गया सब अशांति गायब हो गई। इसलिए योग से भी भक्ति श्रेष्ठ है। आप दूसरे जगह में बताते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। ध्यान से सुनना ये बातें जो हम बता रहे हैं ना आपको, जिन्होंने वेदांत का अजीर्ण होने तक अध्ययन किया है उनको ये गड़बड़ होगी। जिनको वेदांत का अजीर्ण हुआ है ना उनको तकलीफ होगी जो हम बता रहे सुन करके। देखो, वेदांत में एक दूसरे के साथ तत्व का जो विषय है उसको लेकर के डिस्कशन होता है। तत्वमसी महावाक्य में तत्पद का और त्वम पद का क्या अर्थ है? क्या तत्पद का अर्थ ईश्वर है और त्वम पद का अर्थ जीव है? और यदि तत्पद का अर्थ ईश्वर है और त्वम पद का अर्थ जीव है और दोनों का ऐक्य प्रतिपादित किया है, तो क्या जीव ईश्वर हो जाता है या ईश्वर जीव हो जाता है या दोनों गायब होकर के तीसरा ही पैदा होता है ब्रह्म? करते रहो झगड़ा। उसमें
और फिर उसमें केवल आर्ग्यूमेंट के बाद आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद आर्ग्यूमेंट। एक सज्जन मुझे मिलने आए थे कल परसों, मैं सो रहा था, मिलने आया तो मैंने बोला कि अच्छा आ जाओ, मुंबई के थे। बोले स्वामी जी हमने सुना आप यहां हैं, आपके दर्शन के लिए आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अब हॉरिजॉन्टल में उठूंगा नहीं, मैं बीमार हूं। बोले ठीक है स्वामी जी। बोले स्वामी जी हमको आपकी हमेशा याद आती है, मेरे स्टडी ग्रुप में हम हमेशा आपको याद करते हैं, मेरे स्टडी ग्रुप आप पिछले 30 साल से 35 साल से चल रहा है, उसमें से कई मेरे स्टूडेंट निकल चुके हैं और अभी भी मेरा स्टडी ग्रुप चल रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो लोग आगे कोई प्रगति नहीं करते। मुझे दुख यही होता है कि मेरे जो स्टूडेंट है वो आगे प्रगति नहीं कर रहे। लोग गुरु बन गए ना। यहां कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त की जो चर्चा होती है, भक्त की चर्चा में भगवान के गुणगान होते हैं। देखो महाराज, उसमें घटाकाश मठाकाश फटाकाश मोटाकाश छोटाकाश वो नहीं होता, नहीं तो केवल उसमें अपने बुद्धि का जो पटुत्व है वही प्रदर्शित करने की प्रक्रिया होती है। देखो आप देखेंगे जहां भी ये वेदांत के ग्रुप डिस्कशन होते हैं ना, उसको भगवान ने जिसको लंबी जबान दी है ना, वही अपना फटाफट फटाफट बोलते जाता है और बाकी के मुंह खोल के आंख खोल के कान बंद करके सुनते हैं। क्योंकि सबको बोलना थोड़ी आता है। देखो एवरीबडी डजंट हैव द फैकल्टी टू आर्ग्यू टू पुट फॉरवर्ड थॉट्स। तो बिचारे अपने बने गुप्ता जी आपको तो सब कुछ आता है। इतने साल से मैंने वेदांत का सत्संग किया है, मालूम है, आई एम ए प्रोफेशनल सत्संग। कोई भी महात्मा का नाम लो तो क्या होगा, उनको सुन के रख दिया है। उसमें सबका पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। यहां क्या कहा है, बोधयन्तः परस्परम, भक्ति में भगवान का नाम लेने में आपको ना तर्क चाहिए, ना भाषा चाहिए, ना विद्वत्ता चाहिए, ना कुछ समझाना है किसी को। अब भगवान का नाम लेकर के उसमें रस लेना है, उसमें क्या समझने की बात है। देखो इसलिए ज्ञान भी अपी अधिकतरा, अन्यथा हम इसी में फंसे रहते हैं। और दूसरी महत्व की बात, जो बुद्धि हमारे तर्क के द्वारा परिमार्जित होकर के इस तत्व के विश्लेषण में लग जाती है, तो उस बुद्धि के द्वारा तत्व का दर्शन हमेशा अन्य के रूप में होता है, क्योंकि हमने समझा है। और जो बुद्धि भगवान प्रदत्त है, भगवान प्रदत्ता बुद्धि के द्वारा ही भगवत तत्व का दर्शन हो सकता है। देखो इसीलिए यहां भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो बुद्धि भगवान ने दी हुई है उसी बुद्धि के द्वारा भगवान का दर्शन हो सकता है। और जो बुद्धि इस दुनिया में तर्क के द्वारा एकदम तेज करी गई है, वो बुद्धि केवल काटेगी, वो मिटाएगी नहीं, काटेगी। ये बहुत महत्व की बात है। भगवान को प्राप्त करना है तो जो बुद्धि भगवान ने दी है उसी बुद्धि के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। और जो बुद्धि हमने अपने धर्म के द्वारा बनाई है, धर्म के द्वारा बनाई बुद्धि कौन सी होती है,
धर्म के द्वारा वरय उद्धि बुद्धि ये है, ये हमारा कर्तव्य कर्म है, ये समाज है, इसमें ऐसे करना है, उसमें वैसे करना है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होता, हमारे यहां तो ऐसा होता था। बस ख्याली पुलाव में लगे रहो और वास्तविकता जो है उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम सूख गया है। देखो इस संपूर्ण जगत को जैसा है वैसा स्वीकार वही कर सकता है कि जिसने प्रभु को पहचान लिया है। उपनिषद कहता है विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जो समझदार है वो दुराग्रही नहीं होते और जो दुराग्रही होते हैं वो समझदार नहीं होते। देखो इसीलिए तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। दसवें अध्याय में भगवान ने कहा। अब 18वें अध्याय में भगवान फिर साधना की बात करते हैं भगवद गीता के, उसमें उन्होंने पूर्ण साधना का क्रम दिया है। ये भगवद गीता के 18वें अध्याय का जो प्रसंग है 51 से लेकर के 54वें श्लोक तक, इसमें भगवद गीता में जितनी साधना बताई है उस साधना का निचोड़ है, जिसमें कहते हैं बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयास्त्यक्त्वा राग द्वेषो विदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। यहां तक के साधना है। देखो क्या कहते हैं, बुद्ध्या विशुद्धया युक्त्या धृत्यात्मानं नियम्य च, योग साधना की अपने धृति को बढ़ाया और अपने आप पर संपूर्ण नियंत्रण किया, उसके बाद सभी विषयों का त्याग करके राग द्वेष से ऊपर उठे और एकांत जगह में जाकर के खाना पीना बहुत कम, बोलना बिलना एकदम बंद और ध्यान योग पर रहा और नित्य निरंतर अपने सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि में लगे हुए हैं और अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह ये सभी का सभी एकदम त्याग करके ममता का त्याग कर दिया, ऐसा व्यक्ति एकदम ब्रह्म के प्राप्ति का अधिकारी बनता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। और ऐसा व्यक्ति जिसको यह ब्रह्म भूतः अब ब्रह्म की प्राप्ति होनी ही है तो उसकी क्या लक्षण है, प्रसन्नात्मा एक, न शोचति दो, न कांक्षति तीन, और चौथा मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराभक्ति उसको प्राप्त होती है। देखो इसीलिए यदि कर्म का पर्यवसान भगवान के भक्ति में नहीं हुआ तो कर्म केवल श्रम है, धर्म नहीं है। यदि योग का पर्यवसान केवल इसी बातों में हुआ कि मैं लोगों से श्रेष्ठ हूं, मैं अपने आप को बड़ा नियंत्रित रखता हूं और सबके प्रति जो स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए वो यदि नहीं है तो वह योग केवल एक आडंबर बन जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान की चर्चा में केवल अपने ही पांडित्य के प्रदर्शन पर यदि कोई लगा है और दूसरों का तिरस्कार करता है और अपने ज्ञान के बल पर किसी का तिरस्कार होवे तो यह ज्ञान बोझा मात्र है। इसलिए अंतिम है समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसलिए भैया भक्ति साधना को ऐसे मत समझ लेना कि जो लोग योग करने के लिए लायक नहीं, जो धर्म करने के लिए लायक नहीं, ज्ञान के लिए तो जो संभव ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए भक्ति बना के रखी है। नहीं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्ताग त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता यस्याभिमानो मोक्षेपि देहे च ममता तथा नासौ ज्ञानी नवा योगी केवलम क्लेशभागसौ। देखो
जिसके अंतकरण में मोक्ष के प्रति अभिमान है कि मुझे मोक्ष मिले, वो ज्ञानी नहीं है। और देहेच ममता तथा, और जिसने अपने देह की ममता का तो त्याग नहीं किया है लेकिन बाकी सब पूर्ण अष्टांग योग करके रखा है, तो ना वो ज्ञानी है ना वो योगी है, क्योंकि हृदय में अभी भक्ति प्रेम प्रकट नहीं हुआ। इसलिए यह जो भक्ति है वही अपने जीवन का अंतिम स्थान है, वो यदि नहीं हुई तो सब व्यर्थ है। अब ये जो बताया कि यह भक्ति कर्म ज्ञान योग से अधिक है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका एक ही तात्पर्य है, कर्म माने धर्म, उसके बाद योग और ज्ञान, ये तीनों मार्ग में मैं का प्राधान्य होता है। मैं धर्मात्मा हूं, मैं योगी हूं और मैं ज्ञानी हूं, मैं। और भक्ति में सब कुछ प्रभु है, मैं भक्त हूं, ये अभिमान नहीं हो सकता। जब एक बूंद समुद्र में गिर जाती है तो मैं बूंद हूं, ये अभिमान उस बूंद में नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो समुद्र में मिल घुल गई है। देखो महाराज, इसीलिए कर्म ज्ञान और योग इनका अभिमान होकर के मैं बना रहता है, लेकिन भक्ति में इस मैं का ही सब मटिया मेट हो गया। इसीलिए यह भक्ति इन तीनों मार्गों से श्रेष्ठ है। और दूसरी बात, यह जो धर्म है, धर्म का त्याग करने के बाद स्वर्ग इत्यादि मिलेगा। उसी प्रकार से मन का संयम होने के बाद, समाधि होने के बाद, फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये अपने आप छूटेगा, और अहम ब्रह्मास्मि इस ब्रह्माकारा वृत्ति का प्रयोजन अज्ञान के निवृत्ति में होने के बाद वह वृत्ति भी मिट जाएगी, क्योंकि ये तीनों साधन है। और भक्ति भगवान को प्राप्त होने के बाद मिटती नहीं, बनी रहती है। इसीलिए अमृत स्वरूपाच, देखो भक्ति का जो स्वरूप दिया है अमृत स्वरूप है, और इसीलिए यह भक्ति इन तीनों से श्रेष्ठ है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। तुलसीदास जी कहते हैं वह योग कुयोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जहां भगवान राम की प्रधानता नहीं है। देखो महाराज, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकही रवि रजनी इकठाम। अपने हृदय से जब ये काम निकलेगा तब भगवान मिलेंगे, नहीं जब भगवान आते हैं तो काम अपने आप चला जाता है। और यह भक्ति सभी मार्गों से श्रेष्ठ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण 26वें सूत्र में बताते हैं, फल रूपत्वात्, क्योंकि यह फल रूप है। देखो हमने अभी अभी बताया, धर्म एक है उसका फल भिन्न है। धर्म आप देह में रह करके विधि निषेध के अनुसार मनुष्य जन्म में ही कर सकते हो। पशु पक्षी इत्यादि जो तिर्यक योनिया है या उच्च योनिया है, उनमें धर्म या कर्म के लिए आपको स्वातंत्र्य नहीं है। कर्म का स्वातंत्र्य केवल मनुष्य योनि में है। और यह भी कर्म कैसा है, कर्म खत्म होने के बाद जब फल मिलता है तो कर्म खत्म हो गया, अब कर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भक्ति कैसी है, फल रूपत्वात्, भक्ति करी भगवान की और मिला क्या, भक्ति ही मिली।
देखो भगवान मिलने के बाद भक्ति नष्ट नहीं होती, जैसे कर्म फल मिलने के बाद कर्म नष्ट हो गए तो फल रूपत्वात्, उसी प्रकार से यह जो भक्ति है योग से श्रेष्ठ है। योग से श्रेष्ठ किस लिए है? योग से श्रेष्ठ इसलिए है कि योगाभ्यास करने वालों का देखो विचारों का परेशानी। एक हमारे मित्र है, स्वामी है, और हमेशा हमारे पीछे लगे रहते थे कि देखो तुमको ये होता है तो ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, ये क्रिया करो, ये बंध करो और ये मुद्रा करो। हम कहते हाँ करेंगे करेंगे, आज तक नाम से हुआ नाम कर सकते। अच्छा, और वो हमको हमेशा चिढ़ाते थे कि देखो तुमको जब तक तुम ये नहीं करोगे ना तब तक कि कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमने कहा मुझे चाहिए इच नहीं, कुछ प्राप्त करना क्या है, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही है। और भगवान की लीला देखो, उन्होंने पूरे जिंदगी में दुनिया भर का योगाभ्यास किया और दुनिया भर के सभी रोग बताओ वो फट से निकाल के दिखा दे, ये मेरे पास है। उनको फेफड़े की परेशानी है, उनकी लीवर खराब है, उनकी बैक एक हमेशा रहती है। उसके बाद अब वो ध्यान के लिए बैठते हैं तो कुर्सी पर बैठते हैं और कहते कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने इतना योगाभ्यास किया। हमने कहा इसी के कारण हुआ। देखो पेड़ को ग्रो होने दो ना, इधर से काटो उधर से काटो इधर से काटो उधर से काटो और उसका बोनसाई बना दो। बोनसाई घर में रखने के लिए होता है, ठीक, उस पर पक्षी नहीं बैठ सकते, उसके नीचे पांथस्थ आराम नहीं कर सकता। देखो भक्ति का वृक्ष इतना बड़ा है कि सबको साथ ले चलता है, इसलिए यह कर्म के फल के बाद कर्म समाप्त, योग के फल के बाद योग समाप्त, वैसी भक्ति नहीं है क्योंकि यह स्वयं फल रूपत्वात्, वही उसका फल है। माने ध्यान से सुनना, हम सभी लोग ये समझते हैं भक्ति साधना है। भगवान नारद जी कहते हैं नहीं, भक्ति साधना नहीं है। देखो भक्ति के द्वारा चाहिए क्या भगवान? भगवान से क्या मांगोगे? भक्ति ही तो मांगोगे ना। देखो इसीलिए फल रूपत्वात्, और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई उसके अंतकरण में और कोई कामना हो ही नहीं सकती। शान कामयमाना निरोध रूपत्वात्, देखो, और इसीलिए भक्ति ही अपने जीवन का फल है। इसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन की बातें बड़ी सुंदर सुंदर है। रोमांचेन चमत्कृता तनुर्यम भक्त्या मनोनंदितम प्रेमाश्रोणी च भूषयन्ति वदनम कंठम गिरो गदगदा नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चरं कुर्वताम मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। रोमांच से शरीर पुलकित हो रहा हो, चित्त भक्ति के आनंद से परिपूर्ण हो, प्रेमाश्रु का प्रवाह मुख की शोभा बढ़ा रहा हो, कंठ भरा है, वाणी गदगद हो रही है, इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हमको एक क्षण का भी अवकाश किसी अन्य की ओर ध्यान देने के लिए नहीं है। ऐसी अवस्था में हमारे द्वापर ये चारों प्रकार की सालोक्य सारूप्य सामीप्य और सायुज्य ये मुक्तियां हमारी दासियां बनने के लिए लालच में क्यों चक्कर काट रही है? ध्यान से सुनना, भक्ति फल रूपत्वात का तात्पर्य है भक्ति प्रारंभ करो और आनंद की मौज उड़ाओ। देखो भक्ति खत्म होने के बाद आनंद आएगा। देखो जैसा आपने खेत बोया, फिर उसकी घास पानी किया
और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर काटा, तब जा करके आपको उसका फल मिला। और जो रसोईया हो सब कुछ बना रहा है, बीच में मुंह में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, आनंद ही आनंद है, चक्कर नहीं किसी चीज का। इसीलिए यह जो भक्ति है, इसमें उसी समय जिस समय हम भक्ति के मार्ग पर चल पड़े, एकदम जीवन में रस आने लग गया। भक्ति का यह लक्षण है, भक्ति रस स्वरूप है, क्योंकि अमृत स्वरूप आच। अमृत की कल्पना हमारे धर्म में लिक्विड के रूप में की है, केक के रूप में नहीं की। When you go to heavens, you get the cake. No. और जो अमृत है वो रस स्वरूप है। इसीलिए यह एक यहां एक बड़ी सुंदर कथा लिखते हैं स्वामी खंडानंद जी महाराज। एक कारागर के बंदी ने राजा की स्तुति की और राजा ने प्रसन्न होकर उसे कारागर से मुक्त कर दिया। कारागर में पड़े जीव की बंधन मुक्ति तो ऐसी ही होती है। अब कारागर में पड़ा एक बंदी राजा के लिए प्रतिदिन एक माला गूंथ कर भेजता था। दो कहानियां है, एक बंदी ने राजा की स्तुति करी और स्तुति से प्रसन्न होकर के उसको मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया माने क्या, अब वो राजा से दूर चला गया। मुक्त किससे हुआ, जेल से ही तो मुक्त हुआ ना। जेल किसका था, राजा का था, तो राजा से दूर चला गया। अब दूसरा बंदी, वो प्रतिदिन राजा के लिए एक माला गूंथ कर भेजता था। उसकी सेवा से राजा प्रसन्न हुए और आज्ञा दी, इसे मुक्त कर दो। उसने मांगा नहीं, इसे मुक्त कर दो। तो बंदी ने प्रार्थना करी कि कृपा करके मुझे कारागर में ही रहने दे, मैं आपकी सेवा में संतुष्ट हूं। आपको माला बनाकर पहनाने की मैं जो सेवा करता हूं वो मुझसे छीनी न जाए। राजा अधिक प्रसन्न हुए। अब इसे राजोद्यान में नियुक्त किया जाए। देखो, जेल से निकले, राज उद्यान में आ गए। बंदी राजोद्यान में रहने लग गया। उसकी पुष्पमाला से महारानी भी प्रसन्न हुई और उन्होंने आग्रह किया, इस माली को तो अंतपुर की साज सज्जा के लिए नियुक्त करना चाहिए। फल ये हुआ कि वह राजा के अंतपुर को सजाने के लिए नियुक्त हो गया। मुक्तिम ददाति कर ही चित स्म न भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। कारागर से तो किसी को छोड़ देना सरल बात है, किंतु अंतपुर की सेवा तो हर को नहीं दी जा सकती। देखो, इसीलिए भक्त ये नहीं कहता है कि हे भगवान मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ, और फिर करेंगे क्या, बोर होंगे वहां, तो फिर सुखी घालावे अम्मासी, हमको चाहे जितने जन्म दे दो, और हर जन्म में आपसे प्यार करने का आनंद और हजार गुना बढ़ता जाएगा। तो असली मुक्ति क्या है, जन्म मरण से मुक्ति असली मुक्ति नहीं है। जन्म मरण में होते हुए भी आनंद का रस यदि बना है तो हम तो मुक्त है ही। देखो, जो बंधन में होता है वो दुखी होता है। कोई कहे हम अपने आप को हम भक्त है और दुखी है, तो वो विभक्त है, भक्त नहीं है। इसीलिए चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है। और भगवान से वृत्ति भगवान में लग गई तो अपने आप निरुद्ध हो गई, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसीलिए चाहे कैसी भी वृत्तियां हो, भगवान में लगने से अपने आप निरुद्ध हो जाती है। और योग सभी वृत्तियों के निरुद्ध होने के बाद आगे क्या कहता है, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तब यह जो दृष्टा है अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और भगत तो अपने आप को ही भूल बैठा है, जिसको प्रभु प्राप्त हो गया उसको अपने से क्या मतलब है। इस प्रकार से जब तक हम यह बात समझ नहीं लेते
कि जीवन में भक्ति साधना के बाद हमको कुछ अन्य प्राप्त है, तब तक कि अभी भक्ति मार्ग पर नहीं लगे। फिर फलरूपत्वात्, भक्ति करो तो और भक्ति मिलेगी, भक्ति करो तो और भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए भक्ति यदि साधन है तो भक्ति ही साध्य है, और इसीलिए यह अमृत स्वरूपा है। तो जितना हम इसको अपने हृदय में उतारेंगे, उतना भक्ति हृदय में आई तो हृदय रस स्वरूप होगा, और जिसके हृदय में रस होता है ना, वो कड़वाहट नहीं होती उसमें। और उसमें यदि कड़वाहट नहीं हो तो क्या उसका लक्षण है? कड़वाहट नहीं हो तो उसका लक्षण है सभी उसको चाहते हैं। देखना भैया, ये बहुत महत्व की बात है। एक कल्पना करो, क्योंकि हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। क्या कल्पना करो, आप घर आए शाम को और आपकी पत्नी ने बड़ा सज धस के आपको बड़ा आदर से घर के अंदर बुलाया। कल्पना ही कर सकते हो ना, कभी हुआ है क्या ऐसा? आ गए, अब खाना मांगेंगे। तो यदि ऐसा हुआ तो कितनी खुशी होगी? कल्पना की खुशी करो, नेवर माइंड, कितनी खुशी होगी। और यदि आप जहां भी चले जाओ और आपके आने से सब जगह में एकदम प्रसन्नता का वातावरण फैल जाता है, तो वो जो खुशी होगी ना, उसकी तुलना जगत में किसी के साथ नहीं हो सकती। और ये कब होगा? जब हृदय में भक्ति का रस प्रकट होगा तब। और भक्ति कैसी है? भक्ति में जागरूकता है। भक्ति ऐसे नहीं कि हमारी भक्ति दूसरे पर बोझा बने, वैसी नहीं। देखो, उन्होंने स्पष्ट बताया है, आशरी भोजनादिशु व्यापारः आशरीर धारणावधि। भक्त का अर्थ ये नहीं कि वो एकदम इरिस्पॉन्सिबल होकर के जी रहा है, नहीं, वो एकदम जागृत है कि हमारे कारण किसी को कष्ट होते हैं, हम किसी पर बोझा बन रहे हैं, किसी के कारण हमारे कारण किसी के मन में विक्षेप होते हैं। दूर रहो, कोई जरूरत नहीं। असली प्रेम वो है कि जिसमें एक ही है, जैसे गोपियों का था, कि जिसके द्वारा हमारे कन्हैया खुश रहे, ये है प्रेम। और यह भक्ति फल रूपत्वात्, और इसलिए यह जो भक्ति है अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ है। यही हमको जीवन में सब कुछ देती है, और यही हमको सब कुछ पाना है इस भक्ति के। इसमें भगवान के अनेक सुंदर सुंदर प्रसंग स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने लिखे हैं, आप उसको जरूर पढ़े। और ज्ञानी रोवे, लोगों से झगड़ा करे, राग द्वेष करे, और साथ साथ कहता भी जाए, ये सब मिथ्या है, तो लोग कहेंगे ऐसा ज्ञानी होने से तो ज्ञानी न होना उत्तम है। यह ठीक है कि ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है और यही उसकी शोभा है, किंतु उसमें अच्युत भाव नहीं हो तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख, विलक्षण आनंद प्रकट नहीं होगा, ज्ञान की पूरी शोभा नहीं होगी। इसलिए अपने पूरे जीवन में इस प्रेम को प्रकट करना, यही सबसे महत्व की बात है। अच्छा, अब भक्ति साधन है, इसको तो हमने अपने दिमाग से निकाल दिया। भक्ति ही हमारे जीवन का साध्य है, तो ये भक्ति ही हमारे जीवन का साध्य है, और इस साधना का जो फल है जीवन में, वो भक्ति के रूप में जब प्रकट होता है तो कैसा होता है, ये दो बातें 27वें सूत्र में बताते हैं। ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात्
दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को अभिमान से द्वेष है। देखो, हम भी जब किसी व्यक्ति का तिरस्कार करना चाहते हैं तो कैसा कहते, वो इगोइस्ट है, माने उनके पास पैसा है, उनके पास क्षमता है, उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास सौंदर्य है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वेरी इगोइस्ट पर्सन। देखो, जब हम साधारण व्यक्तियों को किसी में अभिमान हो तो खटकता है, तो भगवान को तो जहां अभिमान है वहां भगवान एकदम तड़पते हैं। अभिमान का तात्पर्य मालूम है क्या है? अभी माने चारों तरफ से, अभितहा परितहा, मान माने तोड़ना, काटना, छिन्न करना, नापना, अभिमान माने जिसने अपने आप को किसी एक छोटे दायरे में बांध लिया है वो अभिमानी है। तो जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं उनको देखो कितना भयानक अभिमान होता है। हमने तो अपने जीवन में धर्म की रक्षा करने का संकल्प ले लिया है और इसके सिवा कुछ नहीं है, माने हमारे कारण ही धर्म चल रहा है, हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं धर्म का क्या होगा। और जो योगी है उनमें भी उसी प्रकार का अभिमान, ज्ञानियों की तो बात छोड़ो। इसलिए ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात्, ईश्वर के लिए जिसमें अभिमान है उससे प्रीति नहीं, और जिसके कारण भगवान हमसे दूर बिछड़ जाते हैं उसको रख के करेंगे क्या? देखो, जिसके कारण, ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म विषय है, जिसके कारण ईश्वर हमारे जीवन से दूर चले जाते हैं उसको पकड़ के रख के क्या करना है, ये वाक्य है। अब सवाल ये है, ईश्वर हमसे दूर चले जाते हैं माने क्या? अपने से ईश्वर दूर बिछड़ गए, इसका एक लक्षण है। कौन सा? आपके जीवन का आनंद खत्म हो गया, अब आप दुखी रहने लग गए। इसके कारण, उसके कारण, बीबी के कारण, बच्चे के कारण, गवर्नमेंट के कारण, लोगों के कारण, जहां आपके हृदय में आनंद के फव्वारे बंद हो गए, दुख की व्यवचार शुरू हो गई, तो समय लेना भगवान आपसे बिछड़ गए हैं या आप भगवान से बिछड़ गए हो। ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात्, जहां अभिमान होगा वही दुख होगा। देखो, एक बार भगवान कृष्ण जब मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा मैया को दुनिया ने कंप्लेन करी, इतनी गुस्से में आई, गुस्से में आके आके कन्हैया को पकड़ा कान से और डंडा लेके हाथ में गाली देने लग गई। लगता है पिछले जन्म में सुअर था क्या? और भगवान को डर लगने लग गया, कहीं ये मुझे पहचान ना ले कि वराह अवतार मेरा ही था। देखो, अपमान तो तब होगा ना जब हमने अपने आप को कुछ समझ रखा है। देखो महाराज, इसीलिए जिसका अपमान नहीं होता वही अभिमान से परे उड़ गया है। आपको याद है छठवें अध्याय के श्लोक के बारे में हमने आपको कहा था, परमात्मा की प्राप्ति के लक्षण केवल दो है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसके जीवन में सुख दुख के कारण किसी प्रकार की विषमता निर्माण नहीं होती और मान अपमान के कारण जिसकी शांति भंग नहीं होती उसको परमात्मा मिल चुके हैं। लो महाराज, तो इसका मतलब है पत्थर को परमात्मा मिल चुके हैं डेफिनेटली, इसीलिए लोग पत्थर की पूजा करते हैं, अपनी नहीं करते।
नारायण, इसलिए ईश्वरस्य अभी अभिमान द्वेषित्वात् और दूसरी बात दैन्य प्रियत्वाच्च, और दैन्य प्रियत्वात् और भगवान को यह बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरा भक्त है वह सबके सामने झुकने को तैयार है। देखो सबके सामने झुकने का तात्पर्य ये मत पकड़ लेना पकड़ पकड़ के हर एक को पकड़ लेना, वो नहीं। देखो हम एक बार हरिद्वार में थे, वहां एक जगह पे नहा रहे थे, कपड़े निकाले हमने, उस पंडित जी को दिए, हमने भाई कपड़े पकड़ के रखना, कोई सन्यासी बनेगा मेरे कपड़े से, मैं नहा के आता हूं। तो वो नहा के आने के बाद जब मैं कपड़े बदल रहा था फिर से पहन रहा था, तो उसके वो छोटे से लकड़ी के बक्से का जो स्थान है उसमें एक लिखा हुआ था बहुत सुंदर, अभी तक मुझे याद है, उसमें लिखा था हमेशा अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है। तो मुर्दा हमेशा अकड़ा रहता है ना, हमेशा अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है, नजाकत से झुकना जिंदा दिली का नाम है। जिसके हृदय में भक्ति पैदा हो गई है उसमें अकड़ कभी नहीं आती, और जहां अकड़ नहीं होगी वहां पकड़ नहीं होगी, जहां पकड़ नहीं होगी वहां सुख दुख का निर्माण नहीं होगा। पकड़ का तात्पर्य है आसक्ति, एक चीज समझ लो, आसक्ति तो जा भी सकती है, टिकती नहीं हो। इसलिए अपने आप को यदि हम देखें कि हम उस परमात्मा के सामने किस कण में है, देखो अपने जीवन का अभिमान को मिटाना है ना, उसके लिए साधु संत अनेक उपाय बताते हैं। एक उपाय ये है जो अपने से बड़े हैं उसको देखो, अपने से छोटों को देखो तो अभिमान बढ़ेगा। जैसे पुणे में हम किसी के घर गए तो उन्होंने हमको पूछा, बहुत सुंदर घर सजाया था, फार ईस्ट से आकर के पुणे में सेटल हो गए, सिंधी फैमिली, अच्छे हमारे मित्र है, और उन्होंने कहा स्वामी जी हाउ डू यू लाइक अवर ड्राइंग रूम, ना बहुत बढ़िया है, ऐसे लगता है कि मैं किसी म्यूजियम में आ गया हूं। बोले स्वामी जी आपको तो हमेशा मजाक सूझती है, बताओ इसकी कीमत कितनी होगी। हमने कहा होगी 10-20 हजार रुपये और क्या। फिर उन्होंने वहां की एक मूर्ति उठाई, छोटी सी बड़ी सुंदर आइवरी की, बोले स्वामी जी इस मूर्ति की कीमत 2 लाख रुपए। तने राखी, पता नहीं क्यों लोग छोटी छोटी चीजों पर इतने पैसे बर्बाद करते हैं। समझ जी आपको टेस्ट नहीं है। मैंने क्या करूं, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, मैं क्या करूं। हमने कहा अच्छा बताओ ये तुम्हारा ड्राइंग रूम कितने का बना है। बोले स्वामी जी केवल ड्राइंग रूम के अंदर का जो सजावट है उसकी कीमत 4 करोड़ है। तो उनको लगा कि मैं कहूंगा अरे बाप रे। तो वहां जब मैं देख रहा था, मैंने अल्लाह दिखाओ क्या क्या है तुम्हारे पास, जब देखा था वहां एक ग्लोब रखा हुआ था, ग्लोब होता है ना लोग रखते घर में। हमने कहा आ जाओ इधर आ जाओ, ये कितने का है भाई। बोले स्वामी जी ये है 25,000 रुपए का। मैं सस्ता है ये। बोले हाँ मुझे कहीं मिला था, मैं ले आया। हमने कहा जरा मुझे दिखाओ, मैं मुझे हमेशा भूगोल के बारे में कुतूहल रहा, मैं कभी पढ़ा तो हूं नहीं, तो मुझे दिखाओ ये भूगोल में क्या क्या होता है। और फिर मैंने ये क्या है वो क्या है ऐसा टेढ़ा क्यों है सब उसको पूछा। उसके बाद पूछा अच्छा ये भूगोल में अपना इंडिया भी होता है क्या। स्वामी जी आप व्हाट यू आर टॉकिंग, मैंने बताओ ना मुझे मालूम नहीं क्या करो। बोले हाँ देखो ये एशिया है और ये इंडिया है। हा हा इंडिया में तो फिर महाराष्ट्र भी होगा। बोले हाँ महाराष्ट्र भी है। ये हाँ महाराष्ट्र में पुणे भी होगा। बोले हाँ पुणे भी है। कहा है और पुणे में ये शनिवार वाड़ा भी होगा। हाँ शनिवार वाड़ा भी है और शनिवार वाड़ा में ये तुम्हारा घर भी होगा। हाँ जी वो भी है और उस घर में ये तुम्हारा ड्राइंग रूम भी होगा। दिखाओ कहाँ है।
देखो आदमी को ऐसे लगता है कि अपने पास क्या है, क्या है, जो कुछ है वो सब प्रभु की ही देन है। जिसको लेकर के हम मटकते भटकते हैं दुनिया में, वो देह भी अपना बनाया हुआ नहीं है देखो, लेकिन ऐसे लगता है कि हमारे पास क्या है, क्या है, और इसी परिच्छिन्नता में जो हमको फंसा के रखता है वो है कर्म योग और ज्ञान की बातें। और इस परिच्छिन्नता से हटा करके प्रभु में संपूर्ण रूप से समर्पित करने वाली जो भक्ति है उसको यदि हम अपने जीवन में स्वीकृत नहीं करेंगे तो बस जीवन में केवल दुखी ही होते रहेंगे। इसलिए चाखा चाहे प्रेम रक्स, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो कड़क, देखे सुने न कान। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है उसके लिए मान अपमान सुख दुख इसका कोई मतलब नहीं। और अब ये भक्ति 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 आपने बताई, लेकिन क्या भक्ति कैसे प्राप्त हो, हमको तो भक्ति है नहीं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। हरेक के हृदय में भक्ति होती है, देखो इसको भी समझ लेना। भक्ति यह कोई वृत्ति नहीं है। कल हमने आपको दो चार दिन से बता रहे वृत्ति और भावना में फर्क। यह पुस्तक है, यह वृत्ति है। योग कर्म और ज्ञान इन वृत्तियों पर कार्य करता है, और यह भागवत का ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। तो देखा एक ग्रंथ को, लेकिन हृदय में निर्माण हुआ भगवान का अस्तित्व, यह जो भावना है यह वृत्ति नहीं है देखो। और इसीलिए यहां बताते हैं कि इस भक्ति को हमको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब भक्ति के साधना की बात 28वें सूत्र से कहते हैं, तस्या ज्ञानम एव साधनम इति एके। देखो असल में देखा जाए ना तो भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो की जाती है वो भक्ति नहीं होती, जो होता है वो भक्ति होती है। देखो हिंदी सिनेमा का गाना याद है कि आपको, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, जो होता है वो प्यार है, जो किया जाता है वो व्यभिचार है। देखो प्रेम में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, जिस प्रेम में कर्तृत्वाभिमान होगा वो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम का कबूतर होगा। इसीलिए अब इस ज्ञान की बात बताते हैं कि कोई लोगों का कहना है, कोई आचार्य का कहना है कि भक्ति का साधन तो ज्ञान ही है। क्यों भक्ति का साधन ज्ञान है? इसलिए अब बताओ, जब तक आपने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ सुना नहीं, उनकी लीला कुछ सुनी नहीं, उनके बारे में श्रवण नहीं किया, संकीर्तन नहीं किया, तो आपके मन में उनके बारे में भक्ति आ सकती है क्या? नहीं। बिना किसी को जाने, किसी के बारे में नहीं जानने के बाद प्रेम निर्माण हो ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञान भक्ति का साधन है, ये पहला तर्क। अब इसको जरा समझ लो ठीक से। ये तर्क मालूम है क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि हमने ये सोच रखा है कि भक्ति, भगवान और भक्त, ये तीनों विभक्त है, इसीलिए ये विचार मन में आता है। मुझे बताओ हम अपने को पहचानते हैं क्या? नहीं। जब मैं कहता हूं कि मैं बूढ़ा हूं, उस समय मैं का अर्थ देह है। जब मैं कहता हूं कि मैं भूखा हूं, उस समय मैं का अर्थ प्राणमय कोश है।
जब मैं कहता हूं कि दुखी हूं तो उस समय मैं का अर्थ मनोमय कोश है। जब मैं कहता हूं कि मैं जब जीवन में सफल हूं तो मैं का अर्थ विज्ञानमय कोश है। देखो तो इस मैं का तो हमको अभी तक ना ज्ञान है ना अनुभव है, फिर भी इस मैं के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है ना। देखो महाराज बहुत सूक्ष्म विचार है, जानबूझ करके जो प्रेम होता है वो जानबूझ करके चला भी जाता है, जानबूझ के प्रेम नहीं होता। प्रेम अपने आप प्रकट होने वाली वस्तु है, वो निर्मित नहीं होती। जैसे यह जगत परमात्मा से प्रकट हुआ क्योंकि परमात्मा में ही है, इसी प्रकार से भक्त का हृदय भगवान के प्रेम के उपादान कारण से बना है। भगवान के प्रेम के अभिव्यक्ति के उपकरण को भक्त का हृदय कहते हैं, और इसीलिए यह जो भक्ति है ज्ञान के द्वारा निर्माण होगी। यह विचार करना वैसा ही है कि जैसे एक मां अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, अब उसके बारे में क्या जाना है, वो बच्चा कौन है, कैसा है, क्या है, कहां से आया, कौन सा जीव है, कुछ मालूम नहीं, पूरा अज्ञान है। और वो बच्चा पैदा होने के पहले ही उस बच्चे के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। अच्छा ऐसा कहो कि वो बच्चा तो मां के गर्भ में था तो इतने 9 महीने साथ में रहते रहते प्रेम हो गया, मान लिया। बाप देखो, बाप का उस बच्चे के साथ एक घड़ी का भी संबंध नहीं है, लेकिन बाप का अपने बच्चे के प्रति प्रेम देखो कितना होता है। तो ये क्या जानकर किया हुआ प्रेम है? नहीं। इसीलिए हम ये कल्पना करके बैठे कि भगवान को जानने के बाद प्रेम होगा तो वह गलत कल्पना है। भगवान के प्रति प्रेम हरेक हृदय में स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है? भगवान क्या है पहले पूछो। भगवान है आनंद स्वरूप, तो हमारे सबके हृदय में आनंद के प्रति प्रेम है ना। कौन चाहता है दुख को जीवन में? तो यह जो परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है उसी को भक्ति शास्त्र में भगवान कह के उसी के प्रति जो हमारा स्वाभाविक आकर्षण है उसी को कहते हैं भक्ति। अब सवाल यह है उस भक्ति को जो पहचान लेता है वही उसको बढ़ाता है, और जो उस भक्ति को पहचानता नहीं वही उस भक्ति से परमात्मा से दूर भागता है। इसलिए कई आचार्यों का कहना है कि भक्ति का साधन ज्ञान ही है। तो दूसरे कहते हैं नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है, कई लोगों को बड़ा ज्ञान होता है जी, उनको पूछो पूरे की पूरा कथा उनको कंठस्थ होती है। जब वो बोलने लग जाते हैं तो लोगों के हृदय पिघल जाते हैं लेकिन उनका हाथ जेब में ही रहता है लोगों के। देखो कितने कितने कथाकार होते हैं, भगवान की कथा इतनी सुंदर करेंगे। हमारे नारद जी का कहना है, स्पष्ट कहते हैं कलयुग में सभी वस्तुओं का सार निकल जाता है, और उसमें पहली बात बताते हैं कलयुग में भगवत कथा का सार इसलिए निकल जाता है कि भगवत कथा भगवान के भक्ति के लिए नहीं पैसा इकट्ठा करने के लिए होती है। इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा भक्ति होती गलत है। अच्छा तो दूसरे आचार्य का कहना है अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये
अब दूसरे आचार्यों का मत कहने का तात्पर्य है, नहीं ऐसे नहीं भैया, ऐसे एकदम मत झुटकारो ज्ञान को, ऐसे कहो ना कि ज्ञान के कारण भक्ति हुई और भक्ति के कारण ज्ञान बढ़ा। देखो ये जो होते हैं ना कॉम्प्रोमाइज वादी वो ना रहते घर के, ना रहते घाट के। देखो पंचदशी के 13वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, उसमें तीन चार प्रकार के विचार आते हैं। पहला विचार यह है कि जगत में जो सुख हमको विषयों से मिलता है वो द्वैत का सुख असल में अद्वैत का सुख है, और उसमें जो दुख है वो दुख विषयों से आता है। फिर बताते हैं ये जो जगत है ये सुख और दुख दोनों का मिला हुआ है। जीवन में सुख भी है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। और वहां बताते ये दोनों विचार कॉम्प्रोमाइज है। इस जगत में केवल आनंद मात्र है, दुख का कहीं नामो निशान नहीं है। यह जो प्रतिपादन है इसी को भक्ति के शास्त्र में कहेंगे कि यह संपूर्ण जगत केवल परमात्मा से ओतप्रोत है, परिपूर्ण है, और यह जो परमात्मा है यह आनंद स्वरूप है, और इसीलिए भक्ति के मार्ग पर दुख का प्रसंग आ ही नहीं सकता। इसीलिए यह जो दूसरा कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं, एक दूसरे को साथ मिलकर के भक्ति आगे बढ़ती है, ज्ञान भी होना चाहिए भक्ति भी होनी चाहिए। ये दो मत बताने के बाद अब तीसरा मत, नारद जी महाराज अपने गुरु उनके साथ बताते हैं 30वें सूत्र में, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारः। अब देवर्षि नारद भक्ति के संबंध में अपना मत बतलाते हैं। सनत कुमारा का मत नारद जी का ही मत है, क्योंकि नारद जी सनत कुमार के शिष्य है। जब देवर्षि नारद सब वेद वेदांग शास्त्र पुराण आदि पढ़ चुके तो सनत कुमार के समीप जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, सोहम मंत्रविद एवं अस्मि तम माम शोकस्य पारम दर्शयतु भगवान। भगवान मैं केवल शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, परमार्थ तत्व को नहीं जानता हूं, अतः आप मुझे शोक के परम पार पहुंचावे। तब सनत कुमार ने नारद जी को उपदेश किया। श्रीमद भागवत की सप्ताह अनुष्ठान विधि भी सनत कुमार ने ही नारद जी को बतलाई। इस प्रकार सनत कुमार तथा नारद एक ही परंपरा के हैं। अतः देवर्षि नारद अकेले अपना नाम न लेकर अपने गुरु तथा बड़े भाइयों के साथ अपने को मिलाकर ये कहते हैं, तीसवा सूत्र, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारः। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी है, और ये सनक सनातन सनातन और सनातन जी सनत कुमार जी, ये चारों ये पांचों मिलकर के कहते हैं, नहीं जी, भक्ति की जो साधना है साधन है वह भक्ति ही है। स्वयं फल रूपता इति, भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है। ऐसे नहीं कि एक साधन को लिया, साधन या उपाय किसको कहते हैं, साधन उपाय उसको कहते हैं कि काम होने के बाद इसका तिरस्कार करो, वैसी भक्ति नहीं है। इसके बारे में और भिन्न पहलू अगले इसमें देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।